नमस्कार, मैं विकास रोहरा रोशनी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं बिल्हा के प्रत्याशी जसबीर सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। उसी बीच झूलेलाल मंदिर जो कि चकरभाटा में स्थित है, जहाँ सिंधी कम्युनिटी के लोग सभी जाते हैं, दर्शन करते हैं, और वहां उन्होंने झूलेलाल मंदिर में जाके लाल साईं का आशीर्वाद लिया। और उनके साथ में प्रदेश प्रभारी संजीव झा भी थे। उन्होंने आज पहुंच के पहले जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद रात में वो स्वयं झूलेलाल मंदिर पहुंचे जसबीर सिंह के साथ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जसबीर सिंह और संजीव झा पहुंचे झूलेलाल मंदिर, लाल साईं से लिया आशीर्वाद। संजीव झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इसलिए बरतोरी जनसभा में भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। इससे उन्हें यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी वोट अधिक मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी ली है वो दिल्ली में काम हुआ और पंजाब में भी होता दिख रहा है और इसे सभी लोग मान रहे हैं। जसबीर सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आगे उन्होंने दोनों ही पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है। जसबीर सिंह ने बताया कि कैसे करोड़ों रुपए खर्च करके ये विधायक बनते हैं, कैसे लूटना है और कैसे ठेकेदारों को लूटते हैं, व्यापारी को परेशान करते हैं। बीजेपी ने 15 साल सत्ता में रहकर और 5 साल कांग्रेस ने सपरी को लूटा है। आईआईटी के स्टूडेंट रहे अरविंद केजरीवाल एवं हम भगत सिंह राजगुरु के वंशज हैं और देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, हम बिल्हा को बदलने आए हैं। आइए देखते हैं रोशनी न्यूज की खास रिपोर्ट। तैयारी चल रही है, आप कैसे खड़े हैं? तो आगामी जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट है, आपके हिसाब से क्या है, क्या लग रहा है? जनता उकता गई है और बहुत धैर्यवान जनता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया बोलते हैं ना, तो 15 साल इन्होंने मौका दिया भाजपा को और 10 साल करीब मौका दिया कांग्रेस को, पर जो उनकी मूलभूत समस्याएं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब नीयत की बात है कि आज सवेरे उठ के आम आदमी पार्टी का विधायक क्या सोचता होगा दिल्ली पंजाब में, और तो यहाँ के कांग्रेस भाजपा के जो विधायक जो करोड़ों रुपए खर्च करके विधायक बनते हैं वो क्या सोचते होंगे, मैं आज कहाँ से वसूल कर लूँ, कौन से ठेकेदार को फोन कर लूँ। हमारी नीयत ये है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये हमारे लिए। अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तो नहीं आएंगे, पर हम ही हैं, हमारे हम उनके वंशज हैं, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए लड़ रहे हैं आम आदमी के लिए। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल IITian है, IIT का इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी चीज है, IRS क्लियर किए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, असिस्टेंट इनकम टैक्स के लेके जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद और उनके दिखाए हुए रास्ते पे सरबत का भला वही करने के लिए निकले हम और करेंगे। जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जनता बोल रही है इस बार दोनों को, भाजपा कांग्रेस को रेस्ट कराएंगे और आम आदमी पार्टी को चुन के भेजेंगे, और साईं जी के आशीर्वाद से वो होगा भी। जिला विधानसभा वैसे भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहना चाहिए बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो भी जी काफी वोट हैं, और कहना चाहिए यहाँ पे जो वोट है सभी समाज के लिए काफी वोट है, जी और ग्रामीण स्तर में भी आप जो वर्क कर रहे हैं, मैं आपको जो लगता है कि त्रिकोणीय स्थिति बनती हुई भी रही है। हाँ, आप त्रिकोणी बोल रहे हैं, यहाँ तक हम हमारे को ले आए उसके लिए थैंक यू, पर हम तो ये मान के चल रहे हैं जनता मालिक है, जनता हमको जिता कर भेजेगी। देखिए, सिंधी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है, दूसरी पार्टियों की ये सोच होती है कि ये टैक्स चोर है, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये बसाया हुआ कैंप है, लेकिन देखिए कितना संपन्न है, प्रॉपर्टी के रेट से आप देखिए। तो मैं और केजरीवाल जी इतना बड़ा त्याग है, हम उनको फॉलो करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चल के हम अपने बिला को ठीक कर रहे हैं, फिर दूसरी विधानसभा को ठीक कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को हम ठीक करेंगे। तो देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, हम ही को इसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। तो राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए। जी जैसे बिल्हा विधानसभा के जी लगातार आप जन संपर्क में निकले हो और आज जो अपना कहना चाहिए चक्रभाटा का जो सिंधी समाज का भव्य मंदिर है जी झूलेलाल जी का, जी तो यहाँ पे आपने अभी साईं का आशीर्वाद लिया, जी क्या बोलते हैं आगे? देखिए, मेरा ना आज एक विश्वास और दृढ़ हो गया, जब तक बुलावा नहीं होगा, है ना, बोलते हैं तूने मुझे बुलाया शेरा माली, जब तक वो नहीं बुलाएगी लाख तुम्हारे जेब में पैसा हो। आज मेरे को लगता है ये कॉल था भगवान जी का,
कि मैं इस मंदिर के सामने से कई बार गुजरा, लेकिन नहीं था। आज ये दिन नियत था, ये सेकंड नियत था कि लाल साईं जी ने अट्रैक्ट किया। साईं जी ने बहुत हमारे को आशीर्वाद दिया, बोले शुभकामनाएं, आगे बढ़ो। हम एक पवित्र पूत हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के वो बोलते हैं तुमको किसी टैक्स वाले ने तंग नहीं करना, तुम डट के बिजनेस करो, सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, वी आर विद यू। दिल्ली में देखिए कोई रेड्स नहीं हो रहे, कोई इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर नहीं घूम रहे, कोई दुहन नहीं है, सब सिंसियरली कर रहे हैं। हमको इतना बचत हो रहा है, हम अपने गद्दी में बैठे हुए और आराम से काम कर रहे हैं, सरकार हम चला रहे हैं, सरकार हमारे सहयोग से चल रही है, होगा यहाँ पे। थैंक यू सर। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम बिलहा आए थे और बिलहा से हमारे जसबीर भाई प्रत्याशी हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों में उत्साह इस बात को लेकर है। और यही में चूंकि झूलेलाल मंदिर आज हम दर्शन करने आए थे, गुरु जी से आशीर्वाद भी लिया, मुझे लगता है कि दोनों जरूरी है, जमीन पे काम करना और ईश्वर का ब्लेसिंग्स। तो हम दोनों काम कर रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जैसा कि देखा गया है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और तू अभी जैसे 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ का दौरा आप अभी कर रहे हैं, जैसे मेरे आप रायपुर में उतरे और फिर आप बिल्हा के लिए निकले हुए हैं, तो आगे की क्या रणनीति है कि कैसे आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपका ये पार्टी पूरी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही 10 गारंटी दी है और जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, जो पंजाब में हम कर रहे हैं, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था की बात हो, ये सब काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं और वही हम छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी भी दे रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है, पंजाब में काम हो रहा है, लोग चाहते भी हैं कि उसी तरह का काम हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग ये मानते, दोनों पार्टियों से लोग परेशान, लोग विकल्प की तलाश में हैं, तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प है ऐसा मान रहे हैं लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम कुछ चमत्कारिक होगा। अभी जैसे अगर आप यहाँ पे आए पहुंचे, कैसा जनसंपर्क, कैसे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है कि आप आज देखिए आज हम कुछ इलाके में गए थे, आज बरतोरी में गया था, वहाँ एक सभा थी और बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में महिलाएं थी, बहुत संख्या में युवा आए थे। अब मुझे लगता है यही बदलती राजनीति का परिचायक भी है कि सामान्य महिला, सामान्य युवा आज बाहर निकल के आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर के लोगों को जाकर कह रहे हैं कि इस बार झाड़ू को वोट करना है, बदलाव के लिए वोट करना है, अच्छी राजनीति के लिए वोट करना है, दिल्ली जैसा पंजाब जैसा शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए वोट करना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली हो या पंजाब परिवर्तन इसलिए है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, बड़ी संख्या में नौजवान पार्टिसिपेट किया, तो उसी तरह का माहौल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तब मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पंजाब की तरह यहाँ भी चमत्कारी परिणाम होगा। अगर छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है तो आम आदमी पार्टी उस वक्त किसको समर्थन देगी, भाजपा को या कांग्रेस को? देखिए किसी भी हाइपोथेसिस में जाना मुझे ठीक नहीं लगता है, अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि लोग हमें भरोसा, लोग अपनी आशीर्वाद हमें देंगे। यानी आगामी विधानसभा में आपको लग रहा है कि जैसे दिल्ली के बाद आपने पंजाब में बनाया तो छत्तीसगढ़ भी ये आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आप पूरी तरह? हम नहीं चाहते, ये लोगों की जरूरत है, लोग ऐसा मानते हैं, लोगों को लगता है कि एक मजबूत विकल्प साथ में जाना चाहिए। थैंक यू। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।